नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग जोन में। मेरा नाम है अमजद और आज मैं आया हूँ रामगढ़ में और मैं आया हूँ श्री कृष्ण एग्रीकल्चर वर्क्स के अंदर। यहाँ पे थ्रेसर बनाने का बहुत बड़ा कारखाना, ये जो थ्रेसर आप देख रहे हैं ये सारी थ्रेसर यहीं पे बनाई जा रही है। तो हम बात करेंगे ये जो थ्रेसर है इनके अंदर कौन सी चदर लगाई जाती है, कौन सा चेचिस होता है, कौन सा व्हील होता है, कौन सी शाफ्ट लगाई जाती है, कौन सा हेड होता है, यही सारी बातें हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। और हम आपको किसानों से भी मिलवाने वाले हैं जिन्होंने ये मशीन बनवाई है। तो हम जो श्री कृष्ण एग्रीकल्चर्स के जो मालिक है उनसे भी हम बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए किसान भाइयों, आपका टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं श्री कृष्ण एग्रीकल्चर्स के मालिक जी। नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया। क्या नाम है आपका? अमन यादव। आपकी फर्म का नाम क्या है? श्री कृष्ण एग्रीकल्चर वर्क्स। कितने सालों से किसानों के लिए आप सेवा दे रहे हैं? 9-10 साल हो गए साहब मशीन बनाते हुए। जी, मशीन बनाते। तो कौन कौन सी मॉडल की थ्रेसर आप बनाते हैं? 6-7 मॉडल है इसमें। डबल फैन है, 3 फैन है, आले गीले वाली है, दोनों साइड एलिवेटर है, बिना एलिवेटर की है, बहुत सारे मॉडल है। बहुत सारे मॉडल है। तो आप हमारे जो किसान भाई है उनको एक एक करके अपनी जो थ्रेसर है उनके बारे में बताइए। जैसे ये मॉडल है तो ये कौन सा मॉडल है? ये बूथ मॉडल है, डबल फैन का है, साइड पंखे के अंदर। साइड पंखा मनोहरपुर मॉडल है ये। इसमें आप ये बताइए, जैसे आपने ये चेचिस लगाया है जी, ये कौन सी कंपनी का लगाया? विजाग का चेचिस है। विजाग का है। इसके अंदर जो व्हील लगाया है वो कितने केजी का है और लोहे का है या बूरी का है? इसमें लोहे का व्हील है जो 195 केजी का है। 195 केजी का। इसमें जो शाफ्ट लगाई है ये वाली 80 mm की शाफ्ट है। 80 mm की शाफ्ट है इसके अंदर। अगर कोई कस्टमर 75 की बोलता है तो? 75 की लगाते हैं, वो तो कस्टमर माल के हिसाब से ही बताते हैं। माल के हिसाब से। इसमें आपने ये वैसा माल वैसा पैसे। ये भूसा पंखा है ये वाला, भूसा फेंकते हैं ये। आप बताइए इसके अंदर आपने ये लपेटे में कितने? 4 mm की लपेट है और 10 गेज की चद्दर है साइड में। हाँ जी। जी, इसकी लंबाई क्या है इस मशीन की? 18 फुट है जो इसकी लंबाई है ना, 18 फुट है इसकी लंबाई। 18 फुट है। हाँ जी। और अगर हम बात करें तो इन्होंने नई टेक्नोलॉजी लगाई है, आप देख सकते हैं। हाँ, जो नीचे कचरा आता है ना, जो नीचे कचरा आता है इसके अंदर जाता है। हाँ, बाकी आले गीले के लिए आप देख सकते हैं ऊपर, ये आले गीले के लिए इसको खोल दो जी, खोल दो माल हो जाओ तो गीला माल बाहर आ जाता है ये वाला। और ये वाला जो टेक्नोलॉजी लगाई इन्होंने इसमें कचरा जो आता है, कचरा जो आता है वो सीधा इसके अंदर आप डाल सकते हैं ये। तो ये हर कोई नहीं लगाता है, ये जो टेक्नोलॉजी है इन्होंने लगाई है और वो भी मोटी चद्दर में लगा और मोटी चद्दर में है। यानी के कितने गेज की चद्दर होगी ये? ये होगी 14 गेज की। 14 गेज की चद्दर है। और ये जो गेयर बक्सा है ये ट्विंकल का गेयर बक्सा इन्होंने लगाया है, 5 जॉइंट का गेयर बक्सा है, 4 स्पीड का जी। और अगर हेड की बात करें तो कौन सा साइज है हेड का? 3 कट में 14-16-18। 14-16-18 का हेड है, बड़ा हेड है जिससे निकासी ज्यादा होती है और बढ़िया काम करती है मशीन। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो मशीन है कितने की बनवाई है, किसान से हम बात करेंगे जिन्होंने ये मशीन बनवाई है। ये जो मशीन बनवाई है ये MP के ग्राहक है, MP के किसान है। हाँ जी। और इन भाई साहब ने बनवाई है। जी जी, नमस्कार। तीन मशीन बनवाई इन्होंने। स्वागत है आपके हमारे इस चैनल पे जी। आपका नाम क्या है? हरबाज नाम है हमारा, MP से है, जिला साजापुर। साजापुर। आप ये बताइए ये श्री कृष्ण वाले मशीन कैसी बनाते हैं? एक नंबर मशीन है इनके हैं। जी, हमने पूरे रामगढ़ में घूमे, उसके बाद में यहाँ से आके मशीन सिलेक्ट करी, उसके बाद सिलेक्ट की आप। तीन मशीनों का ऑर्डर दिए इन्होंने। तीन मशीन के ऑर्डर है हमारे। तीन मशीन आप बन गई आपकी? बन गई। ये वाली मशीन आपकी है? ये भी हमारी, दो उधर खड़ी है। दो उधर खड़ी है। हाँ। ये मशीन अब आप लेके जाओगे जी। तो मशीन जैसे आपको बोला गया था कि इसके अंदर जो शाफ्ट है 80 mm की लगाएंगे तो वही लगा के दी इन्होंने? बिल्कुल वही, हमने यही रह के बनवाई है मशीन। आपने यही रह के बनवाई है मशीन। बैरिंग भी नए डाले हैं NBC। बैरिंग सारे नए हैं NBC के, ओरिजिनल बैरिंग डाले हैं। तो मशीन में कहीं आपको चला के देखी, टेस्ट करवा के दिखाई इन्होंने? टेस्ट करवा के भी दिखाई ना, अभी मशीन घुमा के दिखाई आपको जी। तो कोई वाइब्रेशन वगैरह तो नहीं है मशीन के अंदर? अच्छा, आपका संपर्क कैसे हुआ था अमन जी से? आपके चैनल पे देख के हमने आए थे यहाँ पे। अच्छा, फार्मिंग जोन चैनल पे देखा आपने हमारे चैनल पे? हाँ। भाई साहब के लिए इसलिए हमने पत्ती डिजाइन फ्री, जो भी बंदा फार्मिंग जोन से आता है उसके लिए डिजाइन। ये आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये जो पत्ती डिजाइन है ये 5-6 हजार का लगता है,
ये जो पत्ती डिजाइन है ये 5 या 6 हजार रुपए लगते हैं इसके डेकोरेशन के। फार्मिंग जोन से जो आता है किसान उसके लिए फ्री देते, अमन का कहना है ये फ्री देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। और एक गणसा सेट देते हैं जबाड़ी सेट, और एक गणसा सेट और जबाड़ी आपको फ्री में देंगे। तो ये श्री कृष्ण एग्रीकल्चर मशीन वालों का वादा है, निकासी ज़्यादा डीजल ट्रैक्टर कम खाता है, ये इनका ट्रैक्टर जो है लोड फ्री चलता है मशीन के ऊपर, मशीन बिल्कुल भी धड़धड़ाती नहीं है और मशीन जीरो वाइब्रेशन पे काम करती है। तो हम किसान से बात कर रहे थे, तो आप ये बताइए हमारे किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे नफीस जी? यहाँ पे थोड़ा सा 2-4 हजार का रेट का फर्क है, बाकी 2-4 हजार ना देखें यहीं पे आके मशीन है जी, क्वालिटी बहुत है, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है यहाँ की। जैसे कि आप 32 के ड्रम में आप गीले का लगवा रहे हैं ये, हाँ। ये अभी तक किसी ने नहीं लगा के दिया, पहली बार आप लगवा रहे हैं, पहली बार ले जा रहे हैं ये 32 के ड्रम में। आप देख रहे किसान भाइयों 32 के ड्रम में आपको गीले माल निकालने का आपको इसमें सिस्टम लगाया, यानी टेक्नोलॉजी लगाई है। तो ये कोई नहीं लगा के दे रहा है, श्री कृष्ण वाले ही लगा के दे रहे हैं। और भी काफी यहाँ पे महाराष्ट्र से भी 6-7 किसान आए हुए हैं जी भाई साहब। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे जो YouTube पे फार्मिंग जोन पे देख के आपने मशीन यहाँ पे ऑर्डर की है। मशीन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी, आएगी तो फिर श्री कृष्ण वाले बैठे, हम भी आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे महाराष्ट्र से आए, विश्वास पे आप बने रहिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है जी। नमस्कार, नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। क्या नाम है आपका? दामोदर रोडू राठौड़। दामोदर रोडू राठौड़, कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र से आए सर। महाराष्ट्र से आए हैं आप? महाराष्ट्र। आप ये बताइए आपने यहाँ पे ऑर्डर किया है मशीन का, हाँ जी, यहाँ पे कैसे ऑर्डर किया था, कैसे संपर्क हुआ था आपका? YouTube पे देखा तुम्हारा चैनल हमने। अच्छा, YouTube पे हमारा चैनल देखा, हाँ। तो किसान भाइयों आप देख रहे हैं ज्यादातर जो किसान, ज्यादा क्या, सभी जो किसान है हमारी वीडियो देख कर ही आ रहे हैं। तो आप विश्वास, ट्रस्टेबल, धोखाधड़ी का कोई काम नहीं है, और धोखाधड़ी से बचे, हम ये हमारा ये कहना है आप ओरिजिनल जो चीज है वही ले। तो आप यहाँ पे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? 3 दिन लग गए हमको आने में, थोड़ा दिक्कत लगी, थोड़ा दिक्कत लगी, अच्छा मिल गया, समाधान हो गया, समाधान ही हो गया, माल अच्छा मिल जाएगा, अच्छा मिल गया जी, समाधान ही हो गया। तो आप एक किसान है और किसान ही किसान की बात को समझता है, तो आप ये बताइए कि हमारे किसानों के लिए क्या संदेश है आपका? कुछ मराठी में संदेश दे दो। किसानों को ये बोलना चाहेंगे सर हम जी कि कम पैसे में मशीन दूसरी तरफ मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो मशीन है वो एक नंबर माल है सब। आपके यहाँ पे जो मशीनें हैं महाराष्ट्र के अंदर, कहाँ कहाँ की मशीनें हैं वहाँ पे? सर 2-4 ठिकानों पर, जगह पर है मशीन है, पता नहीं सकता मैं जी जी। एक बालापुर की है, विश्वकर्मा। अच्छा अच्छा, मुंडरी वाले की है जी। तो सर कैसा हो, बराबर अच्छा नहीं लगेगा जी, मशीन है लेकिन तुम्हारे जैसी जो क्वालिटी है जी वो हमको अच्छी लगी, क्वालिटी वो अच्छी है, क्वालिटी तो क्वालिटी अच्छी है, तभी किसान यहाँ तक आता है लेने के लिए। और किसान कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि किसान की गाड़ी कमाई होती है, किसान हमेशा सच बोलता है क्योंकि वो खून पसीने से कमाता है, और उसकी कमाई जो है जाया ना जाए सही जगह पे लगे, यही हमारा भी ध्येय रहता है, और सही इस्तेमाल हो उसका पैसा, सही मशीन मिले, सही काम करे, सालों साल चले, वो मशीन यहाँ से आप श्री कृष्ण से ले सकते हैं। तो अमन आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए, आपका क्या है? तो ये कहना चाहता हूँ किसानों के लिए कि जो आपको माल बता दिया जाएगा ना वही माल लगेगा, और फोन पे भी आप ऑर्डर दे सकते हो, कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं है, विश्वास पे काम करते हैं अपन सारा। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं घर तक आपको भिजवा देंगे, मतलब ये लगा लो खूब ऑर्डर आ चुके हैं फोन के ऊपर ही, फोन के ऊपर ही ऑर्डर आ चुके हैं, और महाराष्ट्र से आपने देखा है, महाराष्ट्र से यहाँ पे आए हैं। तो आई होप किसान भाइयों आप लोगों को काफी ये जो वीडियो है काफी इन्फॉर्मेटिव और काफी जानकारी पूर्वक लगी होगी। ये भाई साहब अकोला के हैं जी, अकोला महाराष्ट्र, अकोला। नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, आप अकोला से आए हैं? तो कैसे संपर्क हुआ था अमन भाई से? हमारे चैनल से। हमारे चैनल से, तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल से संपर्क हुआ है, काफी किसान है और ये इन लोगों का प्यार है जो हमारे चैनल को देखते हैं, और हमारे चैनल को देखकर उसके बाद में यहाँ पे श्री कृष्ण एग्रीकल्चर्स में आते हैं थ्रेशर बनवाने के लिए, और यहाँ की जो थ्रेशर है इनकी वो सुपर क्वालिटी की थ्रेशर आती है।
एडवांस टेक्नोलॉजी की आती है, बिल्ड क्वालिटी, जो बनाने की जो क्वालिटी है वो इनकी मजबूत है और अच्छी क्वालिटी है। मनोरपुरा मॉडल लीजिए, सिंगल फैन, डबल फैन, फोर फैन, जो भी मॉडल आपको पसंद आता है, चुस्की वाला, डबल चुस्की वाला या डबल एलिवेटर वाला, जो भी मॉडल आप पसंद करते हैं वो यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। अमन जी के नंबर आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे, इनके नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ये यहाँ पे विजिट कर सकते हैं जैसे कि ये यहाँ पे आए हैं। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अमजद इसी तरीके से मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।